यार इंडिया क्या है? मेरी बात कुरान की कसम, इंडिया पे एक, मैं कहता हूँ 1,00,000 मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे हलमा, इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 93,000, 1,00,000 ही ऑलमोस्ट हो गया ना, 93,000 भाई सारा कुछ क्यों रहे? वो जज्बे वाले नहीं, तुम्हारे मुल्क फार के ले जाओ, फार के चुक के ले जाओ, इन्हू किसी फैर बंदे ने छुड़ी भी मार देनी, इतने वज भी जल्दी छुड़ी। ओ बगैरता, ओ शट द फक अप यू इडियट। हमारे वजीर दिफा जाएं तो लंदन की ट्यूब में उन्हें धमकियां दी जाएं, चाकू से हमले की बात उन पर की जाए, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी हाई कमीशन भी गए, उनके साथ मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, उनको चाकू लेके मारने की कोशिश की गई लंदन के एक मेट्रो स्टेशन में। हम ऐसी स्टेज पर जैसे कहा कि हम पहुंच चुके हैं कि हम तो घर के खजाने बेचने पर आ गए सूद की अदायगी के लिए, लेकिन फिर भी वो सूद कभी अदा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं वही सबसे बड़ा कैंसर है। तो पहले आपको पाकिस्तान में माशी इमरजेंसी नाफिज कर, पाकिस्तान का पॉलिटिशियन, पाकिस्तान का आर्मी सीनियर्स, वो अपने आप में अपनी खुद की कंट्री के लिए बहुत बड़े दुश्मन है, बहुत बड़ी गंध है। ना केवल पाकिस्तानी, लंदन के पाकिस्तानीज हैं, उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हेट्रेड उस गवर्नमेंट और उस गवर्नमेंट के लोगों में है। डेली बेस पे 20 मिलियन या 20 मिलियन से ज्यादा जो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स हैं वो विजिट की जाती हैं, देखी जाती हैं वीपीएन के थ्रू। हालांकि पाकिस्तान में इंटरनेट इतना सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी देखी जाती है। उनको पता है ये पाकिस्तानी तो सारा वक्त गाली गलौज करते रहते हैं, ये तो दिस नथिंग न्यू, तो कंप्लेन करना जरूरी है ताकि नोटिस में आ जाए, कल को खुदा ना खास को पागल बंदा कर ही ना दे। लेकिन ये सारा कुछ हमने किया तो खुद ही है, इसमें तो हम बाहर की किसी हुकूमत को, बाहर के किसी शख्स को तो इल्ज़ाम नहीं दे सकते। हमने बकायदा प्लान के तहत एक यहाँ पे कैंपेन चलाई कई सालों तक, लोगों को ट्रेन किया, उनको बताया कि आज फलां बंदे के खिलाफ ट्रेंड बनेगा और उसके उसका नाम ये रखा जाएगा, उसको ये गाली दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में लंदन गया हुआ था पाकिस्तान का विदेश मंत्री और उस पर वहाँ पे हमला हुआ, एक तरह से थोड़ी मारपीट की कोशिश की और धमकियां भी दी गई हैं। तो ये पाकिस्तानी नेताओं का हाल है, इनकी कोई इज्जत नहीं है इनके देश में, और बाहर जब ये लोग निकलते हैं तो इन्हीं के देश के लोग इन्हें धमकियां देते हैं, इन्हें गालियां देते हैं, और ये बहुत आम बात है, कोई इसके साथ ही नहीं हो, पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है, यहाँ तक कि जो इनका फौजी जनरल था जनरल बाजवा, उसके साथ भी ऐसी अब्यूसिंग हुई थी जिसके वीडियो काफी इंटरनेट पर वायरल हुए थे। और नवाज शरीफ हो या बाकी जितने भी लोग, सभी के साथ ये सब होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं इनके लिए। तो आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। यार इंडिया क्या है? मेरी बात कुरान की कसम, इंडिया पे एक, मैं कहता हूँ 1,00,000 मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे हलमा, इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 93,000, 1,00,000 ही ऑलमोस्ट हो गया ना, 93,000 भाई सारा कुछ क्यों रहे? वो जज्बे वाले नहीं, तुम्हारे मुल्क की गवर्नमेंट के 93,000 अंदर एजेंसियां घुसी हुई हैं जो तुम्हारे साथ ऐसे हालात पैदा कर रही है। हिस्ट्री में देखा है कि राजा ताहिर ने एक मुसलमान लड़की को, उसने यानी कि कैद किया, उसको छुड़ाने के लिए हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। अच्छा, और जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया तो उन्होंने आन के कुफार की दर्जियां उड़ा दी। राजा दाहर इसी सरजमीन का और मोहम्मद बिन कासिम बाहर से आया। मेरा सवाल थोड़ा सा ये है कि अगर आज बाहर से कोई आए, तालिबान ही आ जाते हैं इस्लाम के नाम पे, जी पाकिस्तान में जो है ना इस्लाम के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा, शरी निजाम हम पाकिस्तान में लाएंगे, इवन सऊदीया से आज के दौर में कोई आ जाता है तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी? गवर्नमेंट तो नहीं, चाहे जुल्म हो भी रहा, फिर भी गवर्नमेंट नहीं एक्सेप्ट करेगी। आप एक्सेप्ट करेंगे? मैं एज ए मुस्लिम उसे एक्सेप्ट करूंगा। यानी आपने क्या बोला है? अगर एटम बम हमारा नहीं है फिर किसका है? जिनके कब्जे में उनका है। पाकिस्तान के कब्जे में ही है और किनके कब्जे? पाकिस्तान कब्जे में, तो एटम बम फिर अमेरिका के कब्जे में, सब कुछ उन्हीं के कब्जे में। डॉक्टर साहब मैंने यही बोला है ना कि ओआईसी में हमारे लीडर गए हैं, वो सबसे पीछे खड़े हैं, आप कह रहे हैं यानी इसका मतलब हमारी आवाज बोलते हैं यार, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा पूरी दुनिया में, कौन सुन रहा है? दुनिया में सुनता इसलिए ना कि हमने पैसे बहुत सारे ले लिए हैं, तो हम क्यों एक तरफ हम कहते हैं जज्बा बहुत है, एक हमें तो कान से पकड़ के नीचे बिठा देते हैं, उधर बैठ जाओ तुमने पैसे देने हमारे। एक ईरान वाहिद मुल्क है जी, और जिसके 28 साल हो चुके हैं, जिसके पास ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, पाबंदियां ठीक है, और वो अपनी कोई चीज ना बाहर भेज सकता है, ठीक है, ना किसी से वो ले सकता है। इंडिया के साथ वो ट्रेड, यार क्या इंडिया, इंडिया इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया तो ईरान का मुसलमानों का दुश्मन है, वो काफरान है वो, तो फिर इंडिया से ईरान हेल्प मांग रहा है, फिर किस चीज की हेल्प मांग, सऊदी अरेबिया के जो, ये सब ये सब झूठ है। हमारे अंदर ये जज्बात है ना, अल्लाह हमें मोहम्मद बिन कासिम बनाएगा, हमें अबाबिल बनाएगा। जैकेट फुल मुजाहिदीन वाली पहनी है, फुल जज्बा भी आ गया। मुजाहिदीन वाली नहीं है, सर्दी के बचाव के लिए पहन रहे हैं। ट्रेनिंग तो नहीं मुजाहिदीन वाली, सारे कलमा को मुजाहिद। मेरी तमाम उम्मत मुसलमान के मुसलमानों से मैं
एक मैक के सामने बात करो, मेरी गुजारिश है तमाम मिलकर मुसलमान हमारे वजीर दिफा जाएं तो लंदन की ट्यूब में उन्हें धमकियां दी जाएं, चाकू से हमले की बात उन पर की जाए। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी हाई कमीशन भी गए, फिर उन्होंने लंदन पुलिस को भी रिपोर्ट फाइल कर दी है और बाकायदा कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है कि किस शख्स ने धमकी दी। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं मोहसिन नकवी साहब सख्त इकदाम का इंदिया देते हैं, हमारी वजारत खर्जा भी ये कहती है कि बहुत सख्त इकदाम किए जाएंगे ताकि तदारक हो सके आइंदा इस तरह के वाकयात का, और सेठी साहब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस्तोयत के वाकयात बढ़ रहे हैं। जिनेवा में मुस्लिम लीग नून के हक में चार लोग सामने आते हैं, वो लीड नहीं बनती, वो खबर नहीं बनती, लेकिन रोज़ाना इस तरह के नारे लगाना और इस तरह के जुमले कसना मुस्लिम लीग नून के लिए मामूल बन चुका है। ऐसा लगता है कि कोई सोल्यूशन नहीं है इस मामले का। नहीं, सोल्यूशन तो निकाल लिया है ना मोहसिन नकवी ने, एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है। पहले जहां 20 लोग होते थे अब वहां 4 लोग हो गए हैं। पहले जबकि जिस किस्म के लोग थे वो ड्यूअल नेशनल्स थे और वो वैसे लोग थे जो आते जाते हैं पाकिस्तान, अब मेरा ख्याल है कि वो जो आते जाते वाले हैं वो पीछे हट गए हैं और वो ही रह गए हैं जिन्होंने ना आना है ना जाना है, और वो थोड़ी दिलेरी के साथ अभी भी बाहर आके और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बट देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप। अब ये एवन फील्ड के ऊपर जब वो निकलने लगे वहां से तो वहां भी 8-10 लोग थे, मैंने पता किया फोन करने का, जी 12 लोग। IMF आप ये समझ लें कि ये आलमी यहूदी इदारा है, ये कोई इंसानों की या पाकिस्तान की फलाह के लिए नहीं बना है, ये इकोनॉमिक हिटमैन होते हैं, ये माशी दहशतगर्द होते हैं। इनका मकसद ये होता है कि रियासत पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क के साथ ये जो मुआहदे करते हैं उसको अपनी ऐसी गिरफ्त में ले लें कि उसके बाद वो रियासत बिखर जाती है, अपने खजाने फरोख्त कर देती है इनको और उसकी पूरी आवाम भूखी नंगी मर जाती है, तबाह बर्बाद हो जाती है, उसमें खाना जंगी शुरू हो जाती है और फिर आखिर में बाहर से फौजें दाखिल होकर उस मुल्क पर कब्जा कर लेती हैं। ये सब कुछ हम आपको पिछली 2 किस्तों में बता चुके हैं तफसील के साथ, सबूतों के साथ। इस मरतबा हम बात करेंगे इन मसाइल का हल क्या है, पश्चिबायतकार अब हम क्या करें। बाबा इकबाल ने भी वो अपनी किताब लिखी थी, जब पूरी उम्मत मुस्लिमा के मसाइल उन्होंने बयान कर दिए तो फिर वो किताब लिखी पश्चिबायतकार, अब उम्मत क्या करे। जब इतना बड़ा कैंसर फैल जाता है इंसान के जिस्म में, जैसे ये जो करप्शन का कैंसर हमारे वजूद में फैला है, जो माशी दहशतगर्दी का कैंसर पाकिस्तान के वजूद में फैल गया, तो आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कैंसर को निकालने के लिए पहले बड़ी खतरनाक सख्त सर्जरी होती है, आप ट्यूमर निकालते हैं पकड़ के और सर्जरी से निकाले जाते हैं और उसके बाद फिर उस जहर को साफ करने के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। पूरा जिस्म तकलीफ उठाता है, जिस्म का एक एक जोड़ हिल जाता है, सर के बाल गिर जाते हैं, जिस्म कमजोर हो जाता है, लेकिन अगर जिंदगी बचानी है तो आपको वो कीमोथेरेपी करनी पड़ती है। इसी तरह ये पाक सरजमीन की एक एक जड़ में जिस तरह ये कैंसर बैठ गया है माशी दहशतगर्दी का, इसको निकालने के लिए अब कोई सॉफ्ट सोल्यूशन नहीं है, अब आपको भी एक दहशतगर्द होना पड़ेगा इस दहशतगर्दी से निमटने के लिए। हम जो भी सॉल्यूशंस यहां बताएंगे ये शेरों और दलेरों के लिए, बुजदिलों बेगैरतों के लिए तो है नहीं, क्योंकि यही वो जलील किस्म की अशराफिया है कि जिसने इस पाकिस्तानी रियासत को गुलाम बना दिया है, पाकिस्तान को तोड़कर बिखेर कर अलग अलग करना चाहते हैं युगोस्लाविया की तरह। तो इनसे तो तवक्को नहीं की जा सकती कि ये पाकिस्तान को रिफॉर्म करेंगे या पाकिस्तान की तरक्की में अपना कोई हिस्सा डालेंगे, ये तो गिद्ध हैं जो लाश नोचने के लिए आते हैं सिर्फ। लिहाजा सबसे पहला स्टेप अगर पाकिस्तान को हमने ठीक करना है तो पहला स्टेप इसका यही है कि मुल्क में एक इकोनॉमिक इमरजेंसी, एक माशी इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, पाकिस्तान में एक सख्त डंडे वाली सरकार को लाना पड़ेगा। अगर पाक फौज ये काम नहीं करना चाहती तो फिर इसके अलावा और कोई हल है नहीं, फिर आप इंतजार करें युगोस्लाविया की तरह, सोवियत यूनियन की तरह, ये हालात इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे रियासत बिखरने लगे, फिर शायद आप उठें इस मुल्क को बचाने के लिए। लेकिन अगर आप इस पाक सरजमीन को इस वक्त हम ऐसी स्टेज पर जैसे कहा कि हम पहुंच चुके हैं कि हम तो घर के खजाने बेचने पर आ गए सूद की अदायगी के लिए, लेकिन फिर भी वो सूद कभी अदा नहीं होगा क्योंकि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं वही सबसे बड़ा कैंसर है, तो पहले आपको पाकिस्तान में माशी इमरजेंसी नाफिज करनी, एक मजबूत डंडे वाली सरकार लेकर आनी। जब पाकिस्तान में आप एक पेट्रियोटिक टीम लेकर आते हैं तो उसका पहला काम ये होता है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ वो काम शुरू करती है कि हमने पाकिस्तान की तामीर कैसे करनी है। अयूब खान से सीखे, अयूब खान
आते ही पहला काम उसने ये किया कि बेहतरीन दिमाग इकट्ठे किए और 5 ईयर प्लान बनाया पाकिस्तान का पहले। और उस 5 ईयर प्लान के तहत जो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स थे उसके अंदर, वो लोग जो मुल्कों की तामीर करने वाले जहन रखते थे, उन्होंने सोचा कि आने वाली नस्लों को हमारी किस चीज की जरूरत होगी। उन्होंने डैम बनाने शुरू किए, उन्होंने नहरी निजाम बनाना शुरू किया, उन्होंने फूड सिक्योरिटी और ज़राअत का इंतजाम किया, उन्होंने कराकुरम हाईवे बनानी शुरू की, उन्होंने इस्लामाबाद का शहर आबाद किया, उन्होंने पाकिस्तान का पूरा तालीमी निज़ाम ओवरऑल कर दिया। दोस्तों ये सब हमारे लिए थोड़ी नई बात है, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये बात बहुत ही आम बात है और पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता रहता है। इनके नेताओं के साथ ये कोई पहली बार नहीं है, इनके कई मिनिस्टर के साथ लंदन में और विदेशों में ऐसी बदतमीजी होती रही है और ये उस लायक भी है, इनके साथ होनी भी चाहिए। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।